इतनी पढ़ी लिखी लोगों की सरकार है कि इनकी डिग्रियां आज भी भारत का पुरातत्व विभाग ढूंढ रहा है जो मिल नहीं रही है। ये सरकार हम विद्यार्थियों के सामने हर रोज एक नया सवाल खड़ा करती है, कभी फेलोशिप का सवाल, कभी सीट कट का सवाल, कभी फीस वृद्धि का सवाल, इस तरह के सवाल वो दिन ब दिन हमारे सामने खड़ा करती है। इसलिए आज हम हुंकार भर रहे हैं। टीचरों पे लाठीचार्ज किया जाता है, टीचरों की संख्या कम की जाती है, इस तरह के हमले टीचरों पर भी किए जाते हैं, इसलिए आज यहाँ टीचर संगठन हुंकार भर रहे हैं। और ये हुंकार है ये देश के विद्यार्थी संगठनों का, टीचर संगठनों का और बाकी सभी साथियों का ये हुंकार है जो आज हम इस मैदान में देख रहे हैं। साथियों, जीत संघर्ष के बिना नहीं होती और संघर्ष विचारों के बिना नहीं होता। ये विचारों की लड़ाई है, मनुवादी और हिटलरवादी विचारों के खिलाफ ये लड़ाई है जो हमने चलाई है, जो बाबा साहेब अंबेडकर के विचारधारा की है, जो भगत सिंह के विचारधारा की है। इस विचारधारा से ही हम इस मनुवादी और हिटलरवादी विचारधारा को परास्त करेंगे। और ये मैं जानता हूँ जो हम रैली में भी नारे लगा रहे थे कि हम कल भी तुमसे जीते थे और आज भी तुमसे जीतेंगे, और मैं जानता हूँ जब हम हुंकार भरेंगे तो हमारी जीत जरूर निश्चित है। हम जानते हैं कि कई सारे मुद्दे हमारे हाथ से छूट गए हैं। हम जानते हैं कि सरकार की हिम्मत हो गई है आज धड़ल्ले से सरकारी स्कूलें बंद करने की। जो हम देखते हैं कि श्रीलंका जो हमारा पड़ोसी देश है वो वहाँ के सरकारी एजुकेशन बचाने की लड़ाई बहुत पुरजोर तरीके से और एक साथ लड़ रहा है। हमें भी यहाँ आज जमा हुए हैं हम लोग, तो ये निश्चय करना पड़ेगा इससे आगे जो भी शिक्षा पर हमला होगा उसको हम एक साथ मिलकर लड़ेंगे। इतना कहता हूँ और आपसे आजाद।